हेलो एवरीवन, ट्वीन प्रेगनेंसी के 7 मंथ में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकते हैं, यानी कि आपके पेट में एकदम से दर्द उठना। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो आपको कभी कभी महसूस हो सकते हैं। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो तो ऐसे में आपको तुरंत थोड़ी देर आराम करना है और अपने पैरों को ऊपर रखें, और अगर आप चाहें तो नहा भी सकती हैं, और आप ऐसे में पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी कर सकती हैं। इससे आपको आराम मिल जाएगा। ये जो दर्द होते हैं वो आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप जो है आराम करती हैं या पानी पीती हैं, इससे आपका दर्द सही हो जाता है, तो आपको समझ लेना है कि झूठे लेबर पेन हैं। लेकिन अगर ये नहीं रुकते हैं या जल्दी जल्दी आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव रहने पर, या फिर आपकी बॉडी गर्म होने पर, या फिर जब आप अपने आप को डिहाइड्रेट रखती हैं, तो आपको महसूस होने की अधिक संभावना होती है। और ट्वीन प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक आते आते आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। एंड इसके साथ ही आपके पेट पर बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा बड़े बड़े और लंबे लंबे हो सकते हैं। एंड आपका पेट बहुत ज्यादा खिंचा हुआ और तना हुआ सा भी आपको महसूस हो सकता है। इस मंथ में आपको कुछ नए लक्षण भी देख सकते हैं, और आपको इस मंथ से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका जो गर्भाशय होता है वो आपके पेट में बहुत सारी जगह घेर रहा है, जिस वजह से शरीर के आंतरिक अंगों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और आपके गर्भाशय बढ़ने की वजह से आपके यूरिन ब्लैडर यानी कि मूत्राशय पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ सकता है। इस मंथ में आपकी त्वचा के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर और आपके बाहों के ऊपर छोटी लाल नसें भी हो सकती हैं, जिन्हें स्पाइडर वेंस या स्पाइडर एजियोमास कहा जाता है। और ये जो नसें होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती हैं। और ट्वींस बेबी को जन्म देने के बाद आपकी ये जो नसें हैं वो अपने आप ही सही हो जाएंगी, और आपके पैरों में सूजी हुई नीली नसें भी हो सकती हैं, जिनको बैरिकाज नसें भी बोला जाता है। और यह जो नसें होती हैं वो आपके यूट्रस के वजन के कारण, आपके पैरों में ब्लड फ्लो की कमी के कारण हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद बैरिकाज नसें भी अपने आप सही हो जाती हैं। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो आपको ऐसे में बीच बीच में थोड़ा सा उठकर घूमना फिरना भी है, लगातार एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, और आपको लगातार अपने पैरों को क्रॉस करके भी नहीं बैठना है। आप जब भी आराम करें तो अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें, इससे आप बैरिकाज नसों की जो बढ़ने की तीव्रता है उसको रोक सकती हैं। आपको इस मंथ में बवासीर भी हो सकती है, और ये तब होती है जब आपको कब्ज की शिकायत हो, या फिर आप जब मल त्याग करने जाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, या फिर आपके पैल्विस पर यूट्रस का भार पड़ने के कारण भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपनी कब्ज को रोकने की पूरी कोशिश करनी है। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपको कब्ज की शिकायत भी हो सकती है, तो कब्ज को रोकने के लिए आपको हाई फाइबर वाले फूड्स लेने हैं, एंड आपको बहुत सारा पानी पीना है, और इसके साथ ही आपको हल्का पुल्का व्यायाम या फिर वॉक जरूर करनी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो ऐसे में आप बवासीर को रोक सकती हैं। और इस मंथ से आपको अपने बच्चों की मूवमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अब उनके पास उतनी जगह नहीं रहेगी जितनी कि उनके पास पहले थी। और हो सकता है कि 7 मंथ से आपके डॉक्टर आपको ट्वींस बेबी की मूवमेंट को काउंट करने के लिए भी बोलें। यदि आपको 7 मंथ से 2 घंटे या फिर 2 घंटे से ज्यादा बच्चों की हलचल महसूस ना हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। ट्वीन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से हर वीक्स में आपका वजन लगभग 0.454 केजी से अधिक बढ़ सकता है। सामान्य तौर पर ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान कुल वजन 15 से 25 किलोग्राम के बीच में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो वजन है वो आपकी प्रेगनेंसी से पहले का जो वजन है उसके आधार पर अलग अलग भी हो सकता है। और इस मंथ से आपको पीठ दर्द और आपको पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस
हो सकता है, और इसका रीजन है कि आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से आपकी पीठ पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ना शुरू हो जाता है। और आपका पेट ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर होता है वो भी बदल जाता है, हल्की सी तिरछी टाइप में हो जाती है। आपके पीठ में दर्द और आपके घुटनों में दर्द जो है वो प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन के बढ़ने के कारण भी हो सकता है। आपको प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको लेटने या करवट लेते समय भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और ये सारे दर्द आपको डिलीवरी तक झेलने ही पड़ेंगे। इनका कोई भी इलाज नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं, जैसे कि आप जो है कैल्शियम अच्छी मात्रा में लें, एंड इसके साथ ही आप डेली अपने मालिश जरूर करें और पानी अच्छी से अच्छी मात्रा में लें। और आपको सीने में जलन भी हो सकती है। ट्वीन प्रेगनेंसी में आपकी पाचन क्रिया भी धीमी होने लगती है, जिस वजह से आपको सीने में जलन होती है। तीसरी तिमाही में आपका गर्भाशय बहुत ज्यादा फैलता है, जिस वजह से आपके पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और ये आपके सीने की जलन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इस मंथ तक आपके ब्रेस्ट का साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कई बार तो आपको ब्रेस्ट से मिल्क या फिर पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल भी निकल सकता है। और आपको इस मंथ से चीजों को भूलने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ट्वीन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कुछ ही वीक्स में आपके बेबी आने वाले हैं, तो जिस वजह से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चिंता और तनाव है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इस मंथ से अगर आपके हाथों और पैरों और चेहरे पर सूजन रहती है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि यह प्रीक्लेमेप्सिया का भी संकेत हो सकता है। और इसके अलावा आपको हर काम में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, जैसे कि उठने बैठने सोने लेटने खाने पीने, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली इस तिमाही में।